हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्साडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मैं हूं प्रभाष और मैं आपको पढ़ा रहा हूं लीनियर अलजेब्रा यूपीएससी मैथमेटिक्स। बहुत टाइम तक इंतजार कराया उसके लिए सॉरी, बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स थे। ऑब्वियसली मैंने बताया था कि इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल पोर्शन है। छापने का तो ऐसे मैं छाप करके कुछ भी कर दूंगा, लेकिन मुझे भी टाइम चाहिए उसे बाइफर्केट करके अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करने से कंपाइलेशन के लिए। खैर, आपका इंतजार खत्म हो गया, अब से ये रेगुलर आएगा, डोंट वरी। पिछले लेक्चर में हम लोग स्पैनिंग सेट्स स्टार्ट किए थे और ख़त्म भी कर दिए थे, फंक्शंस से रिलेटेड, मैट्रिक्स से रिलेटेड, पॉलिनोमियल से रिलेटेड। एक काफ़ी अच्छा आइडिया आपको वेक्टर स्पेस का तो हो चुका था, स्पैनिंग सेट्स का भी हो चुका था। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सब स्पेसेस। सिंपल सा चीज़ है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट वैसा कुछ भी नहीं है। सब स्पेस मतलब जो वेक्टर स्पेस है ना उसका एक सेगमेंट, एक छोटा सा पार्ट, जैसे बोल सकते हो वेक्टर स्पेस का बच्चा। ठीक है, देखो सब स्पेस का एक फॉर्मल डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो लेट कैपिटल वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड के। ये हम बार बार हमेशा बोलते हैं कि जब भी किसी वेक्टर स्पेस को जब डिफाइन करते हो ना तो हमेशा एक मैदान पे किया जाता है। उसका डायग्राम भी हम दिखाए थे तुमको, क्या ये रहा तुम्हारा वेक्टर स्पेस। अब देखो, ये जरूरी नहीं कि हमेशा मैं अगर क्यूबॉइडल बना रहा हूं तो हमेशा क्यूबॉइडल ही हो सकता है वो स्क्वायर हो सकता है कोई भी शेप का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समझने के लिए, सिंप्लीफाइड रखने के लिए, अपना जो होता है ना कि सोच और अपनी अंडरस्टैंडिंग उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने के लिए हम ये सिंपल सा फिगर लेते हैं। एक क्यूबॉइड है या एक बॉक्स इमेजिन करो, और वेक्टर स्पेस तो तुम सीख ही चुके हो क्या होता है हमारा वेक्टर स्पेस। ये जो स्पेस हम लोग डिफाइन करते हैं कहां करते हैं बाबू, हमेशा एक मैदान के ऊपर करते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना आपको, शेडेड ग्रीन वाला पोर्शन, ये हो गया हमारा स्केलर फील्ड, जमीन। ये जमीन तैयार किया मैंने, जमीन तैयार करेगा तभी तो बिल्डिंग खड़ा होगा ना। ये जो ग्रीन कलर का शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है ये है आपका स्केलर फील्ड, इसको बोलेंगे हम लोग स्केलर फील्ड। और इस स्केलर फील्ड को मैथमेटिक्स में हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे क्या रहता है, सारे स्केलर्स रहते हैं। स्केलर तो समझते हो, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन से उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यहां पे स्केलर्स, उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, स्केलर्स 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -5 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है या कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और कुछ भी डायरेक्शन से उसको कुछ भी लेना देना नहीं होता। ये जितने काले काले डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, सारे स्केलर, वैसे इनफाइनाइट स्केलर्स हैं इसमें, तुमको दिखाने के लिए, ताकि तुमको दिखे, विजुअलाइज हो, हम ये डॉट्स बना दिए। और ये जो स्पेस है ना, जिस स्पेस में वेक्टर्स डांस करेंगे, उड़ेंगे, लहराएंगे, तो वैसे स्पेस को हम लोग बोलते हैं वेक्टर स्पेस। तो सपोज देखो ये सब क्या है, ये जितने भी एरोज हम जो दिखा रहे हैं ना रैंडमली इस तरह से एरोज, ये सारे वेक्टर्स हैं जो आपके हवा में उड़ रहे हैं स्पेस में। ठीक, तो ये क्या किए हम, ये हम डिफाइन किए हैं एक वेक्टर स्पेस को। तो ये क्या है हमारा, एक वेक्टर स्पेस है, एक ऐसा स्पेस जहां पे सिर्फ वेक्टर्स ही वेक्टर्स, वेक्टरों की दुनिया, हर तरह का वेक्टर, छोटा वेक्टर, बड़ा वेक्टर, लंबा वेक्टर, मोटा वेक्टर, ठीक है, पतला वेक्टर, चौड़ा वेक्टर, हर तरह का वेक्टर है। तो लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, तो हम क्या किए, एक वी वेक्टर स्पेस डिफाइन कर दिए, कहां पे, ओवर अ फील्ड के, इस ग्रीन वाले मैदान के ऊपर हम एक वेक्टर स्पेस डिफाइन कर दिए। अब आगे पढ़ो, लेट कैपिटल डब्ल्यू बी द सबसेट ऑफ वी, बोले थे इसी का एक पार्ट। तो इसका जो सबसेट है ना, हम एक सबसेट शो कर देते हैं। यहां देखो गौर से देखिए, एक छोटा सा सबसेट, छोटा सा घर, गाना सुने हो कि नहीं, वही है, एक छोटा सा सबसेट हम इसके अंदर एक
डिफाइन कर दिए, दिख रहा है, बड़े घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर। तो ये जो एक छोटा सा घर है, जो इस बड़े वाले घर का एक सब पार्ट है, एक टुकड़ा है, एक स्पेस है, इसी के घर का मेंबर है, इसी के घर का पार्ट है, इसे बाहर नहीं है, ये इसी के घर का एक पार्ट है। समझ में आया? अब हम इसको थोड़ा सा और समझाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम नाम देते हैं, सपोज ए, इसको नाम दे रहे हैं बी, इसको सी, इसको डी, ए बी सी डी बॉटम वाले कॉर्नर्स। यहाँ पे ई, ये एफ, ये जी, ये एच, ये हो गया। इसके सरफेस पे जो हम बनाए हैं एक्स वाई जेड एम एन ओ पी क्यू, रिलेट कर पा रहे हो? तो क्या कहना चाह रहे हैं हम, ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्लेन दिख रहा है आपको एक्स वाई जेड और एम, ये किसके ऊपर है? एफ जी एच और ई वाले सरफेस के ऊपर है, और यहीं से कुछ लटका हुआ एक छोटा सा बॉक्स। समझने विजुअलाइज करने के लिए देख लो। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा जैसा बनाए वैसा ही होगा, हो सकता है ये टेढ़ा हो, किसी इंक्लाइंड हो, इस साइड से घुमा हो, ये गोल तरह का स्पेस हो, ये लंबा हो, ये चौड़ा हो, कोई भी शेप हो सकता है, कुछ भी इमेजिन करो, कोई भी रैंडम शेप हो सकता है। हम समझाने के लिए तुमको एक बॉक्स बना दिए, एक बड़ा बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स दिखा दिए। तो ये जो बड़ा बॉक्स आपको दिख रहा है, ये है मेरा कैपिटल वी, और ये जो छोटा वाला बॉक्स दिख रहा है ना, इसका नाम हम लोग दिए हैं कैपिटल डब्लू। तो ये जो छोटा वाला घर है ना, इसका नाम दिए हैं कैपिटल डब्लू। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, कैपिटल डब्लू इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल वी? जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक पार्ट है ना, एक सबसेट है, किसका? बड़े वाले वेक्टर स्पेस का। क्लियर हो गया इतना? द कैपिटल डब्लू इज अ सबस्पेस ऑफ वी इफ डब्लू इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड के with respect to the operations of the vector addition and scalar multiplication on V. Simple सा चीज है, simple सा logic. जब भी कोई vector space जब define करोगे ना बउआ, तो क्या करना पड़ेगा, उस vector space को हमेशा एक field के ऊपर define करना पड़ता है। तो ये जो आपका field है ना, ये वाला, तब बोलोगे सर इसका field कहाँ है, तो इसका भी field है यहाँ, इस वाले vector space का भी field है यहाँ। अगर टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर हम इसको थोड़ा सा डायग्राम चेंज करके दिखाएं कि इस वाले बॉक्स को नीचे ससरा देते हैं, क्या किए, ये वाले बॉक्स को उठाओ और नीचे ससरा दो, मतलब ऊपर रखा हुआ है ना, अब हम क्या करेंगे, ऊपर नहीं रखेंगे इस वाले बॉक्स को, इस वाले बॉक्स को हम इस वाले बॉक्स के ऊपर बना देंगे, मतलब ये जो मैदान है ना, इसी पे एक कहीं पे कोना में इस तरह से हम बॉक्स बना चुके हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं, ये वेक्टर स्पेस कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन या उसका एप्लीकेशन, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, वो यही फील्ड का लेगा। जाहिर सी बात है, ये वाला जो फील्ड नहीं बदलने वाला है, ये वाला मैदान जो ऊपर वाले बॉक्स के लिए काम कर रहा था, यही वाला मैदान इस छोटे वाले बॉक्स के लिए काम करेगा, और यही वाला मैदान इस पूरे डब्बे के लिए काम करेगा, ध्यान रहे। तो अभी हम तुम्हारे और क्लैरिटी के लिए हम क्या किए, चलो तुमको और समझने में थोड़ा सा अच्छा हो, इसलिए हम क्या किए, जो छोटा सा बॉक्स है ना, इसके पीछे हम इसको कहाँ रख दिए, हम इसको रख दिए हम इस मैदान के ऊपर डायरेक्ट, ताकि तुमको पता चल सके कि ये वाला जो फील्ड है ना, ये वाला जो फील्ड, ये इसका, इसी का ही एक पार्ट है। अब यहाँ पे भी सवाल उठेगा, सर यहाँ पे तो आप बोल रहे हो कि ये वाला जो पोर्शन है ना सर, ये वाला तो बस इतना ही कवर किया है, तो क्या हम इसी को फील्ड मानेंगे? अगर तुम ये रेड वाले पोर्शन को तुम फील्ड मानते हो, तो वो कहलाएगा सब फील्ड। अगर इस पूरे वाले ग्रीन वाले पोर्शन का प्रॉपर्टीज अगर इस वाले स्पेस में लगाते हो, तब बोलेंगे इस पूरे को फील्ड। जैसे ही ये एक सब स्पेस है इस पूरे वेक्टर स्पेस का, उसी तरह से ये एक सब फील्ड है इस पूरे फील्ड का। अरे सिंपल सा लॉजिक है, देखो सिंप्लीफाइड चीज है, इसको क्या ना, मतलब मैथमेटिशियंस ने इतना ज्यादा फॉर्मल कर दिया है, इतना प्रोफेशनल बना दिया है कि हमको ये सब चीज बनना है। अरे कुछ भी नहीं है, एक बड़ा सा स्पेस, उसका एक छोटा सा स्पेस,
वो हो गया सबस्पेस, एक बड़ा सा मैदान जो फील्ड कहलाता है, उसका छोटा सा पोर्शन उसको बोलते हैं हम लोग सब फील्ड। बस खेल खत्म, यही है। लेकिन क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको लिखना है, प्रोफेशनल ढंग से लिखना है, ऑफिशियल ढंग से लिखना है, और थोड़ा प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो बस ये सब चीज करना पड़ता है। ओके, लेट फलाना दिस दिस दिस, फलाना दिस दिस दिस, बस खेल खत्म। फिर पढ़ते हैं हम लोग। सिर्फ बॉक्स बनाने से सर काम चल जाएगा क्या? नहीं, बॉक्स बनाने से काम थोड़ी ना चलेगा, उसमें दो चीज तो, ये तो कंपलसरी है, ये तो है ही, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हम तुमको 1000 बार बोल चुके हैं कि जब भी वेक्टर स्पेस का बात आएगा, उसके पास दो दो ही काम रहेगा, या तो वेक्टर को ऐड करेगा या तो स्केलर मल्टीप्लाई करेगा। वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, खेल खत्म। तो ये वाला जो तुम्हारा वेक्टर स्पेस है, इसमें जितने भी वेक्टर्स हैं ना, ये सब आप ऐड कर सकते हो, और साथ में क्या कर सकते हो, फील्ड वाले स्केलर्स को भी आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो। तो बस इसी का कॉम्बिनेशन, या तो पहला तरीका या पहला चीज ये हो सकता है, पहला ऑप्शन, कि आप सिर्फ जितने भी स्पेस में वेक्टर्स हैं उसको सिर्फ आप जोड़ दो, पहला चीज। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी आप स्केलर्स हैं ना, सबको आप मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर्स के साथ में। तीसरा चीज कि आप ऐड भी करो मल्टीप्लाई भी करो, ऐड भी करो और क्या करो, मल्टीप्लाई करो। रो ऑपरेशन याद है तुमको? रो ऑपरेशन हम बताए थे, तीन रूल होते थे रो ऑपरेशन में, क्या होते थे, तीन रूल होते थे। पहला रूल ये होता था कि आर आई गोज टू के टाइम्स आर जे, करते थे ना, सॉरी के टाइम्स आर आई, इसको आप क्या करते थे, कुछ के टाइम्स वो कर देते थे, और उसके बाद फिर क्या करते, दूसरा रूल हम क्या बताए थे कि आर आई को आप इंटरचेंज कर सकते थे आर जे के साथ में, और तीसरा क्या बताए थे कि आर आई गोज टू आर आई फिर प्लस माइनस के टाइम्स आर जे। तो ये वाला जो चीज है ना, थर्ड वाला, यही चीज बता रहा है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर का एडिशन भी कर रहे हैं और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं। तो कोई भी वेक्टर स्पेस की अगर हम बात करें, तो हमेशा वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट आएगा और साथ साथ में स्केलर मल्टीप्लीकेशन का भी कॉन्सेप्ट आएगा। इसके साथ साथ 8 एक्सियम्स थे जो सेटिस्फाई होने थे। वेक्टर स्पेस को हम ऐसे ही एवे ही नहीं बोल देंगे कि हाँ वेक्टर स्पेस है। पहला तो ये कि वो तो ठीक है, चलो एक फील्ड के ऊपर होना चाहिए और उसमें वेक्टर्स का ही होना चाहिए, वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो होना ही होना चाहिए। लेकिन साथ साथ क्या था कि 8 एक्सियम्स फॉलो करने थे, किसको, वेक्टर स्पेस कहलाने के लिए। क्या क्या थे 8 एक्सियम्स? 4 इसके 4 इसके। पहला तो एडिटिव स्ट्रक्चर, मतलब वेक्टर एडिशन वाला, और दूसरा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाला। वेक्टर एडिशन मतलब एडिटिव स्ट्रक्चर में 4 होते थे, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, ब्रैकेट इंटरचेंज होता था। फिर दूसरा क्या था, u प्लस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे वेक्टर है, सो u प्लस ओ इज इक्वल टू ओ प्लस यू इज इक्वल टू यू। तीसरा क्या होता था, u प्लस ऑफ माइनस यू इज इक्वल टू माइनस यू ऑफ प्लस यू इज इक्वल टू ओ। फिर यू प्लस वी पलट के हमको वी प्लस यू लिख सकते थे। तो देखो सब में एडिटिव स्ट्रक्चर है ना, एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो 4 एडिटिव स्ट्रक्चर होते हैं और 4 होते हैं एक्शन ऑफ फील्ड ऑन स्केलर्स, मतलब स्केलर को मल्टीप्लाई करोगे एडिशन करके तो ये बट जाएगा। उसी तरह से वेक्टर को ऐड करो, ये स्केलर को ऐड करोगे मल्टीप्लाई करके तो ये भी स्केलर बट जाएगा। फिर क्या करोगे, ए बी को मल्टीप्लाई कर दो उसे, फिर इसको बस आप इंटरचेंज करके लिख सकते हो, और 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे किसी वेक्टर से तो वो सिर्फ वेक्टर दे देगा। तो कोई भी वेक्टर स्पेस है वो ये 4 और ये 4 टोटल 8 एक्सियम्स को फॉलो करना कंपलसरी है। अगर हम लोग वेक्टर सब स्पेस की अगर हम लोग बात करें तो उसको भी ये सब कंडीशन फॉलो करना जरूरी है, और उसके साथ साथ वो जो है बड़े वाले वेक्टर स्पेस का एक सब पार्ट होगा। तो जो जो रूल्स एंड प्रॉपर्टीज ये बड़ा भाई कर रहा था, उसका देखा देखी छोटा भाई को भी वही चीज करना पड़ेगा। बस अंतर यही है कि ये बड़ा भाई था और ये छोटा भाई है। क्लियर हो गया सब स्पेस? जो भी हम पढ़ाए उसका एक थ्योरम है, थ्योरम पीछा नहीं छोड़ेगा। यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल जब लिए हो ना, तो इसमें थ्योरम कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा और थ्योरम से नंबर दिलाएगा, ये भी बात है। तो हम बताए दिए थे कि थ्योरम को याद भी करना इम्पॉर्टेंट है, इसका प्रूफ सीखना भी एक इम्पॉर्टेंट है। मतलब इसको थ्योरम, कुछ कुछ थ्योरम्स हैं जिसको आप प्रूफ करने का एक कला है, कुछ कुछ ऐसे फालतू थ्योरम्स हैं, फालतू तो नहीं बोल सकते, ऑब्वियसली थ्योरम है तो थ्योरम है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे थ्योरम है जिसको पढ़ने के लिए आपको
बोला ना, मतलब रट के जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो थ्योरम के लिए हम ये बताएं कि जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, हमारा सिलेबस जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो जैसे प्लेलिस्ट है ना, तो जैसे लीनियर अलजेब्रा खत्म हो गया फॉर एग्जांपल, तो जैसे कंप्लीट हो गया तो ऑब्वियसली उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाला सीरीज चलेगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हर प्लेलिस्ट का, हर चैप्टर का अपना प्लेलिस्ट अलग अलग है। तो जैसे लीनियर अलजेब्रा का जो प्लेलिस्ट तुम देख रहे हो, सिलेबस लास्ट वीडियो होगा उसका, सिलेबस कंप्लीशन का मतलब जो सिलेबस में है उसको पढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है उसका, ऐसा नहीं है फिर बंद हो जाएगा। उसके बाद भी फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस का रहेगा, और साथ में जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद थ्योरम्स का उठाएंगे सारा, मतलब लीनियर अलजेब्रा में जितने भी दुनिया भर के थ्योरम्स हैं सब का अलग अलग से वीडियो बना बना करके उसी प्लेलिस्ट में डाला हुआ रहेगा। तो थ्योरम्स कब याद रखना, अभी समझने के लिए समझ लो, लेकिन अभी याद करने से कोई फायदा नहीं है बुआ, क्योंकि अभी तुम याद करोगे, एग्जाम दोगे तुम 1 साल या 2 साल बाद, कोई फायदा नहीं है, भूल जाओगे सब। थ्योरम्स कब याद करना, जब तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कमांड हो जाएगा सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, स्पीड एक्यूरेसी सारे का कुछ बढ़ जाएगी, टेस्ट सीरीज जब अपना तुम स्टार्ट कर लोगे, जब देखोगे कि हाँ स्कोर ठीक ठाक आ रहा है, मतलब फेल नहीं होंगे पास होने हैं, तो थ्योरम्स क्या करेगा, आपका खाली रैंक इंप्रूव कराएगा, स्कोर कराएगा, ये ज़्यादा कराएगा, ठीक है। लेकिन थ्योरम्स पे सिर्फ रिलाई मत करना, क्योंकि बहुत सारे देखो देख लो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, 70% या 80% उस पर फोकस करना, बाकी का 20 या 30% थ्योरम्स पे। तो थ्योरम्स का भी गारंटी, टेंशन मत लो, जितने भी प्लेलिस्ट रहेंगे जितने भी वीडियोस रहेंगे सबका थ्योरम हम करा देंगे, कोई भी ऐसा थ्योरम नहीं छूटेगा जो आपको पेपर में बाहर से रहेगा, मतलब सारे जितने भी क्वेश्चंस है, इतना भी तो मैं बोल देता हूँ, कितना भी क्वेश्चंस आएगा ना सब वो चैनल पे जितने वीडियोस है ना सब में से ही लड़ेगा, उसे बाहर लड़ेगा ही लड़ेगा नहीं, टाइप भी इतना भी गारंटी मैं बता दे रहा हूँ, वही नहीं लड़ेगा, बस वही है कि मेरे को थोड़ा सा और जल्दी जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। एनीवेज थ्योरम है जो अभी बताएं वही चीज है, पढ़ो यहाँ पे, सपोज डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, पहले बोल दिया कि एक वेक्टर स्पेस है हमारा वी, एक वेक्टर स्पेस है हमारा वी, तो ये वाला जो बॉक्स है इसका नाम दिया मैंने वी, और जाहिर सी बात है ये जो ग्रीन कलर का जो घास है कहां पे होगा, मैदान में, तो ये है फील्ड के, ठीक है। डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, हमको नहीं पता कि डब्ल्यू कहां है, लेकिन मे भी हो सकता है कहीं इधर हो, कहीं यहां पे इस तरह से हो, ये जो W है ना इसका एक सब स्पेस है, हवा में बना है, देखो ध्यान से, डायग्राम भी अच्छे से बनाना ताकि क्लैरिटी रहे, ये सब डायग्राम किताब में मिलेगा नहीं, ये सब मेरे माइंड का विजुअलाइजेशन है, हम जितना तक सीखे हैं, जितना हम इसको देख पा रहे हैं, जितना हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं वो उतना हम विजुअलाइज करा दे रहे हैं तुमको, वैसे ये सब डायग्राम दिखेगा नहीं, डायग्राम तो बुक में ऐसा दिया रहता है कि दिमाग का दही हो जाता है। ये है स्मॉल बॉक्स, दिख रहा है ये जो स्मॉल बॉक्स है इसका हम नाम दिए हैं W, क्या बोले, अभी भी वेक्टर स्पेस हम नहीं बोले उसको, सिर्फ बोले हैं W इज अ सबसेट ऑफ V, है ऑब्वियसली दिख के लग रहा है ना, तो ये जो स्मॉल बॉक्स है ये एक पार्ट है, एक सबसेट है किसका, बड़े वाले बॉक्स का, ठीक है अच्छी बात है। W इज अ सबस्पेस ऑफ V इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस होल्ड, ये जो सबसेट है ना ये सबसेट को हम वेक्टर स्पेस कब बोलेंगे, जब दो कंडीशन मेरा ट्रू होगा या वैलिड होगा, पहला द जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W, ये बोल रहा है कि ये वाला जो है ना इसको हम वेक्टर स्पेस कब बोलेंगे, जब दो कंडीशन मेरा सेटिस्फाई होगा, पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि जो जीरो वेक्टर है ना वो इसका पार्ट होना चाहिए, वो इसका भी पार्ट होना चाहिए, द जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W, जिस भी सब स्पेस को, जो भी स्पेस है उसको सब स्पेस अगर तुम कंसिडर कर रहे हो तो उसमें जीरो वेक्टर होना अनिवार्य है। फिजिकली का मतलब, फिजिकली तो है नहीं, जीरो वेक्टर मतलब क्या, कुछ भी नहीं, जीरो वेक्टर मतलब कुछ है क्या, एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैथमेटिकली अगर बोलो तो उसको एक नाम दिया गया, एक स्पेशल कैटेगरी दिया हुआ है वेक्टर, जिसका जीरो मैग्नीट्यूड है, जीरो डायरेक्शन है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, तो वैसा वाला जो वेक्टर है तो वो जीरो वेक्टर W के पास होना चाहिए। फॉर एवरी यू वी बिलोंग्स टू W, मतलब यू और वी, दिखाए यू और वी किधर है, बोला है फॉर एवरी यू वी बिलोंग्स टू W, तो एक वेक्टर रेड कलर का वेक्टर इस ब्लू वाले बॉक्स के अंदर हम दिखा रहे हैं इस साइड जाता हुआ, और एक ब्लैक कलर का वेक्टर सपोज नीचे जाता हुआ हम इस साइड दिखा रहे हैं, और ये ध्यान रहे कि ये जो U वेक्टर है ना, ये जो U वेक्टर है रेड कलर का, ये सपोज ये V वेक्टर है, और
ये जो रेड कलर का वेक्टर है इसका नाम दिया हुआ है यू वेक्टर, दिख रहा है? छोटे वाला बॉक्स में रेड कलर का जो वेक्टर है वो है यू वेक्टर, और इसी छोटे वाले बॉक्स में जो ब्लैक कलर का वेक्टर है इसका डायरेक्शन इधर दिया हुआ है उसका नाम है वी वेक्टर। वही चीज है लिखने का, फॉर एवरी यू वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। बोला है कि हर ऐसा दो वेक्टर जो इस स्मॉल बॉक्स के अंदर हो, यहाँ पे तो सिर्फ हम एक एक दिखाए, ऐसा हजारों करोड़ों लाखों हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, हम एक शो किए यहाँ पे। एंड के बिलोंग्स टू के, के क्या है यहाँ पे, के एक स्केलर है। ये जो के है ना वो कहाँ पे लाई करता है, वो लाई करता है आपका ग्रीन वाले घास पे। तो यहाँ पे ग्रीन वाले घास पे स्मॉल के एक स्केलर है कुछ के, तो यहाँ का एक स्केलर हम उठा लिए, और ये दोनों वेक्टर तो इस छोटे वाले बॉक्स में है ही। पहला कंडीशन बोल रहा है कि यू प्लस वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये बोला कि अगर आप रेड वाले वेक्टर और ब्लैक वाले वेक्टर को जब आप ऐड करोगे ना बउआ, तो ये ब्लू वाले बॉक्स के अंदर ही रहना चाहिए। ये जो लिखा है ना इज क्लोज्ड मॉडर्न अलजेब्रा में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, अभी मैथमेटिकली समझ में नहीं आएगा। जो विजुअलाइज करने का तरीका है उसको देख लो। दिखाने का ये मतलब है कि ये वाला जो है और ये वाला है, इसको जब ऐड करो, वेक्टर ऐड करना आता है कि नहीं आता, सर सिखा दीजिए ना, भूल गए हैं। तो ये देखो बउआ, ये है मेरा यू वेक्टर और ये है मेरा वी वेक्टर, और ये वाला वेक्टर है मेरा वी वेक्टर, ये इसका नाम दिए हम वी, और इस वाले वेक्टर का ढक्कन खोली दो, इस वाले नाम का है मेरा यू। बोलोगे सर इस दोनों को आप ऐड करिए ना, ठीक है कर देते हैं। क्या है तरीका, इस वाले वेक्टर को लिख लो, एक वेक्टर को, जो आपका दूसरा वेक्टर होता है ना उसको उठा करके इसके मुंडी पे ऐसे रख दो। क्या करेंगे, इसको उठाएंगे यहां से, लिए कटाक उठाओ यहां चिपकाओ, तो जैसे का तैसे इधर ऐसे चिपका दिया। ये मेरा यू, ये है मेरा वी, आया समझ में? सर ये तो यू है वी है, यू प्लस वी पूछो ना, ये बताओ ना सर। तो क्या करो, इसका जो वेक्टर का ये, इसको क्या बोलते हैं, टेल, पूंछ, इसको क्या बोलते हैं, मुंडी, हेड है ना, तो इसका पूंछ और इसका मुंडी जोड़ दो, हो गया। तो ग्रीन कलर का वेक्टर किधर जा रहा है, उधर बोर्ड के उस कोना में, उधर लैन का कनेक्शन है, मेरे लैन का कनेक्शन है उधर, तो ये ग्रीन वाला जो मेरे लैन के कनेक्शन में घुस रहा है, तो ये है मेरा यू प्लस वी। अब सुनो क्लोज्ड कहने का क्या मतलब है, यहां पे दिख रहा है यू प्लस वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन कहने का ये मतलब है कि अगर आप यू और वी वेक्टर इस छोटे वाले बॉक्स के अंदर उठाए हो ना, तो दोनों को तुम ऐड भी करोगे ना, तो छोटे वाले बॉक्स के अंदर ही रहेगा वो। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा हो गया कि अपना मुंडी निकाल रहा है छोटे वाले बॉक्स के, नहीं। तो अब इसको ग्रीन वाला वेक्टर दिखा दे कहीं, देख लो, दिखा दिखा या नहीं दिखा। सपोज ये ग्रीन कलर का वेक्टर हम इधर दिखा दिए, दिखा ग्रीन कलर का वेक्टर, इसको और इसको हम ऐड किए तो मेरे को क्या मिला, इधर जाता हुआ वेक्टर मिला। इसी वेक्टर को हम अंदर घुसा दिए तो हमको ये पता चला कि ये वाला जो वेक्टर है ना वो इसी के अंदर ही, छोटे वाले बॉक्स के अंदर ही। इसी का मतलब होता है W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन का कहने का ये मतलब है कि W वाले बॉक्स के अंदर से जितने भी वेक्टर्स उठाओगे ना, सब ऐड करोगे ना, वो सब छोटे वाले बॉक्स के अंदर ही रहेगा। इसका मतलब होता है क्लोज्ड रखना। उसी तरह से बोलोगे सर अब ये हम तो समझ ही चुके हैं, इसका मतलब भी तो हम समझ ही चुके हैं, क्यों, क्योंकि बस इसमें तो ऐड करना था, इसमें मल्टीप्लाई करना है कि कोई भी वेक्टर यहां पे उठा लो, जैसे यू है ना, और के टाइम्स कर देना है, के टाइम्स कर देना है। सपोज के का वैल्यू हम यहां पे ले रहे हैं, जो के का वैल्यू है ना इसको हम टू टाइम्स ले रहे हैं सर, यहाँ पे जो हम वेक्टर उठाए ना इसको हम टू टाइम्स कर देंगे ना। सर ये वाला वेक्टर मेरा बड़ा हो जाएगा, सर मेरा तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है पहले इतना था ना, अब सर इतना हो जाएगा, तो पहले मेरा यू था ना, अब मेरा टू यू हो जाएगा। जो ये टू यू वेक्टर है इसको भी जब आप उठा करके जब देखोगे ना, तब आपका इस छोटे वाले बॉक्स के अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं जाएगा। इसी को कहते हैं W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन।
W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन. चाहे आप स्केलर मल्टीप्लाई करो या वेक्टर को ऐड करो, छोटा वाला बॉक्स के अंदर से जो कुछ भी उठा रहे हो छोटे वाले बॉक्स के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा. ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा. इस दोनों को कंबाइन करो, कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पे वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लीकेशन. फॉर एवरी यू कॉमा वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड ए बी बिलोंग्स टू के, ए यू प्लस बी वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू. दोनों को कंबाइन कर दो. अब हम ये वाला वेक्टर भी उठा रहे हैं, यू को भी और वी को भी. देखो इसको इतना दिखा दिए तो ऑब्वियसली हमें यह भी दिखाई देते हैं. पहले मेरा क्या था, यू वाला वेक्टर था. देखो गौर से, ये वाला था मेरा यू वेक्टर. ठीक है, चलो यू वेक्टर. ओके सर, लेकिन यहां पे तो कुछ स्केलर है, तो हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू ले लेते हैं. अब देखो गौर से, देखो ए का वैल्यू लेते हैं हम 2 ले लेते हैं, और बी का वैल्यू हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं. फॉर इंस्टेंस बी का वैल्यू हम 4 ले लेते हैं. आप निगेटिव भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. तो अगर हम ए लिए, यू लिए हैं, तो 2 टाइम्स 2 ए यू मतलब 2 यू, 2 टाइम्स कर देंगे तो बताओ तो क्या हो जाएगा, ये हो गया ना 2 यू. वेरी गुड सर. ब्लैक वाला क्या था वेक्टर, ये था मेरा वी वेक्टर सर था. लेकिन यहां पे तो बी वी बोला है, बी वी मतलब बी मतलब 4, 4 टाइम्स मतलब सर इसका 1, 2, 3 और 4. सर ये बहुत लंबा हो गया सर, तो ये हो गया मेरा कितना 4 वी. लेकिन यहां पे सर इसको और इसको दोनों को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस रेड वाले को लेंगे. क्या करेंगे इस रेड वाले को, अच्छा यहां पे तो था, इसको रहने देते हैं ताकि तुम अच्छे से देख सको. हम क्या किए, ये बड़ा वाला वेक्टर उठा लिए इधर, ये हम 2u उठा लिए. बहुत अच्छे. फिर क्या करेंगे, इस बड़े वाले वेक्टर को यहां चिपका देंगे, बड़े वाले वेक्टर को यहां चिपका देंगे. ये मिल गया मेरा 4v. दोनों को ऐड करना है ना, तो ऐड करके दिखाएं, ऐड करके ये दिखा दिया, ये क्या हो गया 2u प्लस 4v. अब ये बोल रहा है कि आप इसको भी जब चेक करोगे ना, तो ये बड़ा वाला वेक्टर भी आपको छोटे बॉक्स के अंदर ही मिलेगा. यही है जादू, इसीलिए इसी का मतलब होता है क्लोज्ड रहना. आई होप क्लियर हो गया होगा. यहां पे सिर्फ एडिशन करके बताया कि इसका वेक्टर उठाओगे और कोई भी 2 वेक्टर को ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो छोटा बॉक्स के अंदर मिलेगा. फिर अलग से बोला आपको कि कोई वेक्टर उठाओ, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आएगा ना वो छोटा बॉक्स के अंदर ही मिलेगा. फिर तीसरा कंबाइन करके बोल दिया इस दोनों को कि 2 वेक्टर को उठाओ, 1 वेक्टर को किसी और स्केलर के साथ और दूसरे वाले वेक्टर को किसी और स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो. तो दोनों को जब ऐड मल्टीप्लाई करके जब ऐड करोगे ना, तो जो रिजल्टेंट आएगा ना ये भी छोटा वाला बॉक्स के अंदर ही आएगा. तभी हम कहेंगे कि ये वाला जो छोटा बॉक्स दिख रहा था ना, जो सबसेट हम जिसको बोलते थे, वही है मेरा सब स्पेस. आई होप पूरा तरह से क्लियर तो हो ही गया होगा. लेट वी बी एनी वेक्टर स्पेस, ये वाला, इसके पास 2 सब स्पेसेस हम दिखा रहे हैं. पहला सब स्पेस ऐसा है जिसमें सेट 0 कंसिस्टिंग ऑफ 0 वेक्टर अलोन, मतलब एक ऐसा है जिसमें सेट है 0. सेट 0 कहने का मतलब समझ रहे हो गुरु, सेट 0 कहने का यह मतलब है कि जितने भी दुनिया में जितने भी वेक्टर्स 0 वेक्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं, सबको घुसा दो इसमें. यहां पे वेक्टर स्पेस का कोई डायमेंशन बोला है क्या, नहीं बोला. अगर डायमेंशन बोलता तब हम रेस्ट्रिक्ट हो जाते कि R3 में है, R4 में है, R5 में है, R10 में है, लेकिन यहां पे तो उसे जनरलाइज कर दिया ना, एक वेक्टर स्पेस बोल दिया. तो आपका 0 वेक्टर बोलो तो कैसा हो सकता है, ये भी तो एक वेक्टर ही है ना, ये भी तो वेक्टर है, ये भी वेक्टर है या नहीं है, ये भी वेक्टर है या नहीं है, ये भी तो वेक्टर है ना, करते जाओ इनफाइनाइट तक. तो जितने पॉसिबल सेट्स होंगे ना, इसको सबको इकट्ठा करो, इसी को इकट्ठा करके शॉर्ट में लिखने का तरीका है सेट ऑफ 0. क्लियर हुआ. तो पहला सब स्पेस ये ऐसा है जिसमें आपके सारे 0 वेक्टर्स होंगे, कंसिस्टिंग ऑफ 0 वेक्टर अलोन. ठीक है. दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा स्पेस जो वी है वो खुद, पहला चीज कि 0 वेक्टर कुछ ना हो, और दूसरा
कि वो खुद, जैसे बोलते हैं ना भगवान शिव बोलते हैं, अंत ही आरंभ है, मैं सब, कृष्ण भगवान बोले थे महाभारत में, मैं सब कुछ हूं और कुछ भी नहीं, मैं सब कुछ हूं कुछ भी नहीं, कन्फ्यूजिया दिए थे अर्जुन को, तो अर्जुन हो गया था कन्फ्यूज। तो हमको नहीं होना है कन्फ्यूज, कि हमको पता चल गया सर भगवान जो बोले थे ना कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मतलब भगवान जो थे वो जीरो वेक्टर की बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि हम सब कुछ हैं, तो मतलब वो पूरे वेक्टर स्पेस की बात कर रहे थे। अर्जुन समझा नहीं, क्योंकि अर्जुन तो पढ़ा नहीं था लीनियर अलजेब्रा, हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ में आ रही है बात। तो ये था कोई भी वेक्टर स्पेस, दो सब स्पेसेस, एक में कुछ भी नहीं मतलब जीरो, एक में सब कुछ मतलब वो खुद। तो ये दो एक्सट्रीम केसेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिवियल सब स्पेसेस ऑफ वी बोलते हैं। नाम क्या दिया गया है वेक्टर स्पेस का, ट्रिवियल सब स्पेसेस। ये भी एक सब स्पेस है, ये भी एक सब स्पेस है, लेकिन कैसा, ट्रिवियल सब स्पेसेस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था ना ट्रिवियल सॉल्यूशंस, है ना, जिसमें x1 x2 की वैल्यू 0 हो जाती थी तो वो तो 0 हो सकता था, तो वो भी ट्रिवियल सॉल्यूशन होता था, वैसा ही कुछ है। तो ये क्या है, एक तरह का ट्रिवियल सब स्पेस है। आई होप पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा सब स्पेस क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स की मदद से और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। गौर से देखिए हमारे एग्जाम्पल को। पहला एग्जाम्पल है हमारा, कंसीडर द वेक्टर स्पेस V इज इक्वल टू आर थ्री। यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया ना, आर थ्री मतलब थ्री डायमेंशन है, आर थ्री टपल है मतलब थ्री तीन डायमेंशन है, एक्स वाई और जेड होगा। लेट U इज इक्वल टू ए बी सी सच दैट A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। हम क्या किए, एक सेट डिफाइन किए हैं। ध्यान रहे जब भी वेक्टर स्पेस डिफाइन करते थे तो पहले सेट से स्टार्ट किए थे। कॉपी पलटो और देखो, मेरा पहला लाइन ही था कि सबसे पहले एक सेट डिफाइन किए थे, उसके बाद वो कंडीशंस फॉलो कराए थे, तब हम उसको एक स्पेस बोले थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक सेट डिफाइन किए हैं, U इज इक्वल टू ए बी सी सच दैट A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, हम मान लिए। लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, हम मान लिए ऐसा, लेट ये U है जिसमें तीन एलिमेंट्स हैं और तीनों एलिमेंट्स हमारे सेम है, ए और बी और सी सब कुछ सेम है। तो यू कंसिस्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन आर थ्री, यू कंसिस्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन आर थ्री हुज एंट्रीज आर इक्वल। आपको बोला कि एंट्री सारे इक्वल है, ठीक है, कैसा हो सकता है कि सारे एलिमेंट्स इक्वल हो, जैसे 111 हो सकता है, -33 -3 -3 हो सकता है, 777 हो सकता है, -2 -2 -2 हो सकता है, ये सारे वेक्टर्स हैं किसमें, यू में। यू क्या है, सेट है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी उठा लो, जो मर्जी उठाना हो वो उठा लो। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हम उठाए हैं 111, क्योंकि ये डायग्रामेटिकली बनाना भी आसान होता है, सोचना भी आसान होता है। कैसे, ये रहा मेरा जेड, ये रहा मेरा तुम्हारे हिसाब से एक्स कौन होगा, तुम्हारे हिसाब से एक्स ये, ठीक है, और ये जेड दिख रहा है, ये तीन, अरे अच्छे से पकड़ाओ, अब दिख रहा होगा, एक्स एक्सिस दिखा, वाई एक्सिस दिखा, जेड एक्सिस तुम्हारे आंख में घुसा, तो ये तीन एक्सिस। 111 सर पॉइंट किधर होगा, देखो हवा में कहीं पे, यहां पे ये मार्कर है ना इसका, देखो यहां पे जहां पे हम ये रख रहे हैं हवा में, एक यूनिट इधर से जाओ, एक यूनिट राइट जाओ, एक यूनिट ऊपर जाओ और एक यूनिट इधर, कॉमन पॉइंट यहां पे मिलेगा। तो ये अदृश्य है वो, ये पॉइंट अदृश्य है, लेकिन कहां होगा, यहां पे होगा, एक यूनिट इधर, एक यूनिट इधर, एक यूनिट इधर, यहां पे। अब इस पॉइंट से इस अदृश्य पॉइंट पे जैसे तीर मारोगे ना तो वो कहलाएगा क्या, तुम्हारा वेक्टर कहलाएगा। तो वही ये, तो ये जो अदृश्य पॉइंट है, इसी अदृश्य पॉइंट से लाइन खींच दो, ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन, ये गया इधर और ये, इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, जैसे सुपर 30 में था ना अंडा, वैसा ही इमेजिन करो। यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ये गया उधर, और ये जो पॉइंट जो ओरिजिन से गया था वो गया नीचे, पूरा स्ट्रेट लाइन वही यहाँ पे बनाए हम, वही ये वाला स्ट्रेट लाइन हम बनाए हैं। अब मेरे पे डिपेंड करता है कि हमको इसका मैग्नीट्यूड कितना लेना है। ये तो हमने एक बना दिया, एक पूरा खटाक सा लाइन बना दिया,
अब मेरे पे डिपेंड करता है कि इसको हमको किधर, वेक्टर को किधर से किधर रोटेट कराना, मतलब किधर डांस कराना है, इस साइड या इस साइड, कितना मैग्नीट्यूड, इतना छोटा, इतना बड़ा, या फिर उस साइड में इतना इतना इतना, वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर। निगेटिव अगर हम कर देंगे तो जाएंगे हम उस डायरेक्शन में, पॉजिटिव करेंगे तो जाएंगे हम इस डायरेक्शन में। क्लियर है कि नहीं है? क्या है? अब देखो, अभी तो हम एक सिर्फ लाइन डिफाइन किए हैं, U is the line through the origin, 000 belongs to U। आ गया ना कंडीशन? क्या बताए थे? जीरो वेक्टर सब स्पेस में होना चाहिए। यहाँ पे देखो किसका बात कर रहे हैं हम, इसका कहाँ पे आ गया, ऑरिजिन कहाँ आ गया, इसी लाइन पे आ गया। फिर सपोज मान लो U और V आर आर्बिट्ररी वेक्टर्स इन U। क्या बोल दिया? बहुत बड़ा चीज बोल दिया। क्या बोला? बोला कि U एंड V आर आर्बिट्ररी वेक्टर्स इन U। U क्या है? U एक लाइन है। U इज द लाइन थ्रू द ऑरिजिन, U इज द लाइन थ्रू द ऑरिजिन। और बोला है इसी लाइन पे आपका, इसी लाइन पे आपका U और V वेक्टर्स है ना, वो लाई करेगा, U और V वेक्टर्स लाई करेगा। U एक बोल दिया कि A A A और V बोल दिया B B B, मतलब इधर आ जाओ, फिर से आ जाओ इस पे, ये इधर ब्लू कलर का इधर पकड़ा था, रेड कलर का तुम्हारे आंख में जा रहा था, ब्लैक कलर का Z एक्सिस था, इस तरह से बनाए थे। अभी अभी तो हम दिखाए तुमको एक पॉइंट जो ये हवा में था। अब इमेजिन करो, फिर से आंख बंद करो, आंख खोलो, जो भी करना है करो, इमेजिन करो एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट जो उधर गया था उसको नाम दे दो U, और एक पॉइंट जो इधर है इसको नाम दे दो V। क्लियर है? वही यहां पे देखो, एक पॉइंट इधर गया वो U, एक पॉइंट है इधर V। वेक्टर दिख रहा है? अब पॉइंट तो दिख रहा था, अब वेक्टर देखो U और V। अब दोनों को ऐड करोगे बाबा तो किधर जाएगा? दोनों का रिजल्टेंट, U और V का रिजल्टेंट दोनों के बीच में होगा ना, पैरेललोग्राम लॉ बचपन से क्या है वो, नर्सरी से। हमारा नर्सरी क्या होता है, 11 12 हुई तो हम लोग तो सीख के आए हैं वहां से, U और U प्लस V। ये बोल रहा है यहाँ पे भी आ गया, देखो वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तुम जब तक वेक्टर स्पेस का पीछा नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारा ये वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन का पीछा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पे वही चीज है, ये वही बोल रहा कि इसको आप ऐड करोगे ना या फिर स्केलर मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसी डब्ल्यू वाले प्लेन में ही रहेगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो डब्ल्यू था तुम्हारा क्या, एक सब स्पेस। W क्या था तुम्हारा, एक सब स्पेस। तो U क्या है, 000, मतलब ये किस पे बिलोंग करता है, W में। तो ये क्या है, W। दिखा ये वाला एक छोटा सा स्पेस W, ये बड़ा सा तुम्हारा एक वेक्टर स्पेस, बड़ा सा वेक्टर स्पेस। ये देखो, ये देखो बाबा, V is equal to R3। V क्या दिखाया हम, तो हम दिखाते हैं तुमको कॉपी, ये है कॉपी। हवा में अगर हम इस तरह से कॉपी रख देंगे हवा में इस तरह से, तो ये हम दिखा रहे हैं एक प्लेन, ये जो है ना V वेक्टर स्पेस, ये हम R3 में एक दिखा रहे हैं, एक प्लेन काट का बना हुआ है, एक मतलब जैसे ये तुम्हारा X एक्सिस, ये Y एक्सिस और Z एक्सिस, इसी इसी प्लेन में, इसी स्पेस में कटा हुआ एक प्लेन है। इसी कटे हुए प्लेन में एक छोटा सा कटा हुआ प्लेन और इमेजिन करो, ये जो बड़ा सा प्लेन है इसको हम नाम दिया गया है V, इसी बड़े प्लेन के अंदर एक छोटा सा कटा हुआ प्लेन है जिसका नाम है W। तो जो बड़ा सा प्लेन है उसको नाम बोल रहे हैं हम कैपिटल V, मतलब वेक्टर स्पेस, और जो छोटा सा प्लेन है इसी पार्ट का जिसको हम नाम दे रहे हैं W। ये सब जो कहानी चल रही है ना, वो सब बोला कि ये जो ओरिजिन है मतलब जीरो वेक्टर यहाँ पे लाई कर रहा है, और ये वाला U प्लस V करोगे या KU करोगे, सब कुछ जो रिजल्ट भी आएगा वो भी W के अंदर ही आएगा। बस ये तो काम करना, ये तो था क्लोज्ड, क्लोज समझ में आया था ना, क्लोज्ड जो बताए थे कि आप वेक्टर को ऐड करो या मल्टीप्लाई करो वो छोटे से बॉक्स के अंदर ही रहना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे जो है एक प्लेन का एग्जांपल लिया गया है। प्लेन में क्या बोला कि आप इसके वेक्टर को ऐड करोगे, लाइन वाले वेक्टर्स को आप ऐड करोगे या स्केलर मल्टीप्लाई करोगे, ये इसी प्लेन में ही रहेगा। और तो ओरिजिन वेक्टर मतलब जो जीरो वेक्टर है वो तो अपने पास रखेगा ही, साथ में जो कुछ भी खेलोगे जिसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी W के अंदर ही होगा,
उसी दायरे में रहेगा, उसी का बाउंड्री। ऐसा नहीं है कि आप इस दोनों को ऐड कर दो बाहर मुंडी निकाल के चला गया हो, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आप स्केलर मल्टीप्लाई कर दियो और बाहर मुंडी निकाल के चला गया हो, नहीं। उसको अपना औकात पता है, उसको ही नोज इट हिज लिमिट, उसको पता है कि वो क्या कितना है, कितना उसके पास, कितना बड़ा पैर है जितना उसको चादर पसारना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इतना ही बड़ा चादर है तो इसे बाहर पैर नहीं पसारेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, पहला एग्जाम्पल। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास मैट्रिक्स वाला वेक्टर स्पेस। लेट कैपिटल वी इज इक्वल टू एम एन कॉमा एन, द वेक्टर स्पेस ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिसेस। अभी तक हम लोग क्या देखे थे, स्पेस वाला R3 वाला देख लिए थे। लेकिन वैसा जरूरी है क्या वेक्टर स्पेस ऐसा ही हो? हम बताए थे ना कुछ पांच छह तरह के होते हैं, पॉलिनोमियल भी होता है, फंक्शन भी होता है, मैट्रिक्स भी होता है, बहुत सारे चीज़ें होते हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक्स वाला। क्या बोला कि कोई एक वी एक वेक्टर स्पेस है, लेकिन उसमें उस स्पेस में क्या होंगे वेक्टर्स, कैसे वेक्टर्स होंगे, मैट्रिक्स कैसे होंगे, मैट्रिक्स वाले n क्रॉस n मैट्रिसेस वाले वेक्टर्स, सबका कॉम्बिनेशन, सबका सेट 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 3 हो सकता है, 4 क्रॉस 4 हो सकता है। कहने का मतलब सारे स्क्वायर मैट्रिसेस की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे n है और n है, 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 5 वैसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो वैसा अगर केस है तो उस वेक्टर स्पेस में दो चीजें लिए गए हैं। पहला, इफ W1 बी द सबसेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस एंड W2 बी द सबसेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तब W1 इज अ सबस्पेस ऑफ V। इसको हम सबस्पेस क्यों बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि W1 जो है ना, इसके पास तो जीरो मैट्रिक्स होगा ही, और इसके अलावा W1 जो है ये क्लोज्ड है, किसमें, मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। सिंपल सा चीज है। इसके जस्ट पहले हम क्या देखे थे, इसके जस्ट पहले हम कंडीशन ये देखे थे कि सब स्पेस होने के लिए दो कंडीशन मैंडेटरी होना है। पहला तो कि उसके पास जीरो वेक्टर होना ही होना चाहिए, और साथ में कि वो क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज कहने का सेंस कि उसके अंदर, जैसे कोई छोटा सा स्पेस आपने उठा लिया हो, एक बड़ा सा स्पेस था वो था हमारा वेक्टर स्पेस, जिसको हम लोग बोलते थे वी। इसके अंदर एक छोटा सा सब स्पेस था जिसको हम लोग बोलते थे W। क्लोज्ड कहने का ये मतलब है कि अगर आप कुछ भी ऑपरेशन इसका और इसी का, इसके एलिमेंट्स का उठा करके आप कर रहे हो, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो W के दायरे के अंदर ही होना चाहिए। ये दूसरा कंडीशन था। पहला क्या था कि इसके पास तो जीरो वेक्टर होना ही होना चाहिए। पहला कंडीशन कि W के पास, जो सब स्पेस की आप बात कर रहे हो, उसके पास जीरो वेक्टर होना ही होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन कि आप अंदर में जो मर्जी कुछ करो, उसका रिजल्ट W के बाहर नहीं जाना चाहिए। आसान भाषा में, सिंपल भाषा में यही बोल सकते हो। तो देखो एग्जांपल से समझते हम लोग कि W1 क्या बोला, इज अ सबसेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अब दुनिया में जितने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं सबको लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो। लेकिन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का फॉर्मेट तो जानते हैं हम। क्या होता है अपर ट्रायंगुलर का मैट्रिक्स का फॉर्मेट, 3x3 का बताइए। सपोज हम यदर लिखें 2 3 4 0 7, 0 0 0 0, क्या हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सर यहां पे तो एक अपर ट्रायंगल बन रहा है ना सर, तो ऑब्वियसली तो हम तो बोलेंगे ना सर ये कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसी तरह से यहाँ पे हम कुछ और मैट्रिक्स हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था ना, 1 2 4 7 2 0, यहाँ पे 0 2 9 और फिर 0 0 0, सर ये भी तो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता था ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी तो आप एक तरह का ट्रायंगल बना सकते हो। तो ऐसे तो लाखों करोड़ों इनफाइनाइट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो सब बनाएंगे क्या? नहीं। W1 बोला उसका एक सबसेट है, तो ठीक है दुनिया में जितने सारे हैं ना सबको हम ले लिए, ये W1 को हम मान लिए कि W1 जो है ना यही है मेरा सबसेट। W1 का मतलब यही दो मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं ना कि W1 जो है वो एक सबसेट है, एक सबसेट है किसका, जितने भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं, जितने भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना ना पड़ेगा,
तो क्या हम इसको W1 को इसका पार्ट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये आ गया ना, ये दोनों ऑटोमेटिकली तो वेक्टर स्पेस में आ जा रहा है हमारा। क्यों? क्योंकि वेक्टर स्पेस को तो हम लोग स्क्वायर बोल दिए हैं, और ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। अब ऐसा ही जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का था, सपोज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की सपोज मान लो, सपोज समझाने के लिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है ना, इसका कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसा है, ये हैं सारे फैमिली मेंबर्स, ये सारे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के हैं। सपोज हम इनफाइनाइट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर इंस्टेंस लिख लिए, तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सर आप लिख ही लिए हो, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन जो आप लिखे हो ना, ये तो वेक्टर स्पेस ही आप बना दिए हो, वेक्टर स्पेस का एक सब पार्ट बना दिए हो। क्योंकि वेक्टर स्पेस में तो आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आएगा, जीरो मैट्रिक्स भी आएगा, सारा स्केलर मैट्रिक्स भी आएगा, सब कुछ आएगा, जितने स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं दुनिया में सब आ जाएगा। तो देखो, ये हो गया आपका एक वेक्टर स्पेस, बड़ा सा गोला जिसमें आपका सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये गोला आपका एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, ये सब है स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक। और इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में W1 पार्ट जो बोल रहा है ना, उसी की बात हो रही है यहां पे। अब आई होप कि क्लियर हो गया होगा पिक्चर कि कहना क्या चाह रहे हैं हम। अब W1 को विजुअलाइज करिए आप कि W1 क्या है। हम बोले W1 जो है ना, एक सबसेट है किसका, जितने भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं उनका। देखो लिखा हुआ है W1 बी द सबसेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखा ना, W1 इज अ सबसेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, परफेक्ट। W1 को सबस्पेस V का क्यों बोल रहे हैं? ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, यही तो है हमारा वेक्टर स्पेस। जब ये वाला लाल तरह का जो गोला है, ये अगर इसका पार्ट है, तो जाहिर सी बात है ये तो बड़े वाला का भी पार्ट हो गया ना। लेकिन कैसे? क्योंकि W1 के पास तो जीरो मैट्रिक्स भी है, जाहिर सी बात है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर बोला है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में तो ऐसा भी हो सकता है ना, ये 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 ये, इसको भी तो हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल ही सकते हैं, एक तरह का तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स का तो आपको हर कुछ हो सकता है। इस वाले मैट्रिक्स को आप अपर ट्रायंगुलर भी बोल सकते हो, इसको आप लोअर ट्रायंगुलर बोल सकते हो, बोल सकते हो ना। तो ये भी हो गया, ये तो इसके पास जीरो मैट्रिक्स आएगा ही आएगा। इसके अलावा मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर एस दोनों का एडिशन मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो भी तो आपको यही चीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको तो अपर ट्रायंगुलर मिलेगा ना, करके देख लो ना। इसको ऐड करोगे तो नंबर मिलेगा, इसको ऐड करोगे नंबर, इसको ऐड करोगे कोई नंबर, इसको ऐड करोगे तो जीरो रहेगा ना। ऐसा है कि इस दोनों को ऐड करोगे और नॉन जीरो मिल गया? नहीं, दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को जब ऐड करोगे तो अपर ट्रायंगुलर मिलेगा, उसी तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मिलेगा, क्योंकि वो तो ट्रायंगुलर ही मिलेगा, इसीलिए हम उसको क्लोज्ड बोल रहे हैं। यहाँ पे क्लोज्ड होने का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है कि आप एक तरह का कुछ कर रहे हो तो आपको वैसा ही मिलेगा, जैसा कर रहे हो वैसा ही मिलेगा, ये याद रखना। सो एज यू शो सो शैल यू रीप, एज यू सो शैल यू रीप, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, वही जैसा आप कर रहे हो आपको वैसा ही मिलेगा, उसी का कहने का मतलब होता है क्लोज्ड। और डायग्रामेटिकली क्या बोलोगे, इसके अंदर जो कुछ भी कर रहे हो ना, इसका रिजल्ट भी इसी लाल बॉक्स के अंदर ही रहेगा, इसके बाहर मुंह नहीं मारेगा वो, ये कहने का मतलब होता है। ये पहला समझ में आया। दूसरा देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जाहिर सी बात है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पास भी तो जीरो मैट्रिक्स ही होगा ना, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? है, तो इसके पास तो जीरो है ही। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को उठा लो, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो वो भी तो सिमेट्रिक ही होता है ना, और दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा ना। तो क्लोज्ड हो गया कि नहीं हो गया? तब से चलो, ये W1 था, ये तो क्या बोला कि इज द सबसेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अब यहां पे हम कंसिडर कर रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। इस सिमेट्रिक मैट्रिसेस का भी एक सब पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है इसका नाम हम दिए हैं W। ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन दिखा, इसका नाम हम दिए हैं W2, इसका नाम दिए हैं W2। ये क्या बोला कि W2 सबसेट है किसका, जितने भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं उनका। तो ये है सिमेट्रिक मैट्रिसेस का गोला, अब उसका एक सब पार्ट। तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कुछ भी करोगे तो इसका तो जीरो तो रहेगा ही, ठीक।
इसके अलावा इसमें आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तो वो डब्ल्यू टू के अंदर ही रहना चाहिए, तभी वो उसका सब स्पेस कहलाएगा। सब स्पेस किसका? सब स्पेस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नहीं, सब स्पेस वेक्टर स्पेस का, सब स्पेस वेक्टर स्पेस का। जाहिर सी बात है इसका भी सब स्पेस है, इसका भी सब, ये इसका सब स्पेस है, ये वेक्टर सब वेक्टर का भी सब स्पेस है, लेकिन जनरली हम लोग वेक्टर सब स्पेस किसके रेस्पेक्ट में बोलते हैं? बड़े वाले घर के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे बोलेंगे W1 जो है ना वो वेक्टर स्पेस का एक सब स्पेस है, उसी तरह से जो W2 है ना वो भी वेक्टर स्पेस का एक सब स्पेस है। आई होप मैट्रिक्स वाला क्लियर हो गया। अब आखिरी एग्जांपल देखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल का। आखिरी एग्जांपल हमारा यहां पे रहा, एक पॉलिनोमियल वाला एग्जांपल लिए, लेट v इज इक्वल टू p ऑफ t, द वेक्टर स्पेस pt ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब ये वाला वेक्टर स्पेस तो हम डिफाइन किए थे क्या होता है पॉलिनोमियल वाला, है कि नहीं, p ऑफ t ऑफ पॉलिनोमियल्स। देन स्पैन p एंड t ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री ऑलमोस्ट n मे बी व्यूड एज अ सब स्पेस ऑफ pt। ये बोल रहा है कि p एंड t वाला जो पॉलिनोमियल्स है ना, इसको जब आप स्पैन करोगे, स्पैन मतलब विस्तार, ठीक, जब आप करोगे वैसा, तो आप बोल सकते हो कि वो एक सब स्पेस है pt का। अगर p एंड t वाला जो पॉलिनोमियल है इसको स्पैन करोगे ऑलमोस्ट n, तो आप बोल सकते हो कि ये वाला जो सब स्पेस है वो किसका है? pt का। आप देखो, हमको पता है इसे समझ में नहीं आया, इधर देखो, लेट qt बी द कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स विथ वनली इवन पावर्स ऑफ t। क्या बोला? कि qt जो है ना एक सेट है, किसका? पॉलिनोमियल्स का एक सेट है, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसके पास सिर्फ इवन पावर्स हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसके पास सिर्फ वेरिएबल्स के इवन पावर्स हैं। कैसे होंगे? जैसे पहला पॉलिनोमियल हो सकता है कि 3 ले लो, 4t स्क्वायर ले लो, माइनस 5t 6 ले लो। फिर तुम पूछोगे, सर यहां पे तो इवन पावर बोल रहा है, तो यहां पे 3 कांस्टेंट क्यों लिए? कांस्टेंट इसलिए लिए हैं क्योंकि यहां पे भी तो देखो ना, जीरो भी तो इवन ही कंसिडर किया जाएगा ना। के को क्या लिखोगे? के को लिख सकते हैं के इंटू टी टू द पावर ऑफ जीरो। यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है t के टर्म्स में, तो आप क्या लिखोगे? 3 इंटू टी टू द पावर ऑफ जीरो, है कि नहीं? तो t टू द पावर ऑफ जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो यहां देखो, इसका इवन पावर है t का, यहां का भी इवन पावर है, तो ये हो गया पहला पॉलिनोमियल। अच्छी बात है। p2 इज इक्वल टू 6 माइनस 7t टू द पावर ऑफ 4। देखो, इवन पॉलिनोमियल, इवन पावर। ये एक दूसरा पॉलिनोमियल है, अज्यूमिंग k एज द इवन पावर्स ऑफ t, ठीक है। देन q ऑफ t इज अ सब स्पेस ऑफ pt। यहां पे हम qt को सब स्पेस pt क्यों बोल रहे हैं? हम बताए थे दो तरीके होते हैं, सब दो कंडीशन होते हैं सब स्पेस कहलाने के। पहला कि उसके पास जीरो वाला चीज होना चाहिए, दूसरा कि वो क्लोज्ड होना चाहिए। जीरो वाला चीज कहने का ये मतलब है, देखो, क्या इसमें कोई ऐसा पॉलिनोमियल हो सकता है जिसमें जीरो हो? बिल्कुल हो सकता है। सबको मारो डिलीट और यहां पे कर दो जीरो, हो गया ना, वो भी तो जीरो ही हो गया। तो पी पी मान लो पी थ्री इज इक्वल टू जीरो है, वो कंसिडर कर देते हैं, तो वो भी तो हो गया ना, यहां पे जीरो, तो इसको हम तो बोल सकते हैं। दूसरा चीज कंडीशन क्या होना चाहिए? दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि वो क्लोज्ड होना चाहिए, कि पॉलिनोमियल को अगर आप ऐड कर वेक्टर एडिशन करोगे, पॉलिनोमियल्स का आप ऐड करोगे, तो आपको तो पॉलिनोमियल ही मिलेगा ना। ऐड कर दो, पॉलिनोमियल ही मिलेगा ना। स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, पॉलिनोमियल ही मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है? तो सब स्पेस कहलाने के दो कंडीशन होते हैं, पहला जीरो वाला चीज आना चाहिए, दूसरा क्लोज्ड होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है पॉलिनोमियल तो वो तो कर ही रहा है। क्लियर हो गया पॉलिनोमियल का। आखिरी बचा है हमारे पास फंक्शन का। यहां पे कंसिडर करते हैं, लेट कैपिटल वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस, रियल वैल्यू वाले फंक्शंस, ठीक है। उसमें हम W1 मान रहे हैं कि ठीक है, कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस बोल रहे हैं, तो रियल वैल्यूड फंक्शन से तो जाहिर सी बात है तो कंटिन्यूअस फंक्शंस तो होगा ही, होगा कि नहीं होगा? कंटिन्यूअस फंक्शंस, इसको हम सब स्पेस क्यों बोलेंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन सब स्पेस कहलाने के दो कंडीशन, पहला तो जीरो होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? कि वो क्लोज्ड होना चाहिए। कि जीरो कहलाए कि अगर मान लो कोई एक फंक्शन है जीरो फंक्शन, तो वो भी तो यही रहेगा ना, इसी के केस में आएगा, इसी कैटेगरी में आएगा, ठीक। और दूसरा क्या होगा कि अगर आप ऐड कर रहे हो
मतलब ऐड कर रहे हो या स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हो फंक्शन का? फंक्शन को अगर आप ऐड कर रहे हो, दो फंक्शन को ऐड कर रहे हो, तो ऐड करोगे तो तीसरा तो जो ऐड करोगे रिजल्टेंट भी तो फंक्शन ही मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि दो फंक्शन को ऐड किए मैट्रिक्स मिलेगा, दो फंक्शन को ऐड किए लाइन मिलेगा, नहीं, दो फंक्शन को ऐड किए तो फंक्शन ही मिलेगा, क्लियर है? और अगर फंक्शन को स्केलर मल्टीप्लाई करोगे तो फंक्शन ही रहेगा ना, तो क्लोज्ड हो गया। और पहला कि जीरो वाला केस, उसी तरह से डिफरेंशियल फंक्शंस है, एक सबसेट मान लियो तो इसको भी आप सबस्पेस बोलोगे। क्यों? क्योंकि वही चीज है, जीरो वाला केस और साथ में कि आप मल्टीप्लाई करोगे और फिर ऐड करोगे तो वही चीज फाइनली वही होगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि सब स्पेस कहने का ये मतलब होता है कि वो जीरो वाला केस को भी वैलिड रखे, मतलब कंटेन रखे अपने अंदर, और साथ ही साथ वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले केसेस को भी सेटिस्फाई कर दे। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सब स्पेस का केसेस, सब स्पेस का कंडीशन। रहने का होता तो कि मैं एक ही बार में बता देता, इतना कर देता, इतना बकने का जरूरत भी नहीं होता, लेकिन जाहिर सी बात है मैं पढ़ा रहा हूँ एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, इंटेलिजेंट और बोलते हैं ना सुपर इंटेलिजेंट बाय बर्थ, इसलिए मैंने पोल कंडक्ट किया था, मैक्सिमम एवरेज वाले निकले इसलिए मैं कंसिडर कर दिया। और जाहिर सी बात है मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं हाथ थामा हूँ उनका एवरेज, आप जैसे एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स का, क्योंकि उनको ज़रूरत है। हमारे कंट्री में और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये फॉल्ट है कि कुछ जो होता है ना, कि मतलब कुछ सिस्टम होता है कि जैसे एक तरह का हवा क्रिएट हो जाता है कि जो टॉपर्स हैं या फिर जो स्कोर रैंकर्स हैं या फिर जो रैंकर्स हैं वगैरह, सारा भीड़ उधर ही फोकस हो जाता है, हम लोग भी बेवकूफ़ की तरह उधर ही देखते चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। पांच उंगली बराबर है क्या? नहीं है। आप में जितना पोटेंशियल हो सकता है उतना पोटेंशियल मेरे में ना हो, और जितना ऑल इंडिया रैंक वाला का पोटेंशियल है हो सकता है उसका जितना पोटेंशियल हो उतना पोटेंशियल तो आपका नहीं होगा, या उतना पोटेंशियल तो मेरा नहीं होगा, वाइसी वर्सा भी केस है। आपको जो टैलेंट है तो वो ऑल इंडिया रैंक वन वाले का तो उतना भी तो टैलेंट नहीं होगा। अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों पे मास्टर होते हैं, तो एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। बट हमारा ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम फॉल्ट है, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा ना। तो मुझे ऑब्वियसली मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक पर्टिकुलर क्राउड के पीछे लोग भाग जाते हैं, और जितने जो सफरर्स होते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, अभी तैयारी कर रहे हैं गेट का एग्जांपल, कोई भी चीज़ का, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लो, कितने सीट्स निकलते हैं? 1000 सीट्स या फिर 100 सीट्स, ठीक है, उसके लिए लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, जिनका हो गया हो गया, जिनका नहीं उनका क्या क्या करेंगे वो? मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जिनको, मतलब मैं तो पहुंच गया यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बैचमेट्स हैं जो अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं, कितना साल हो गया उनको ग्रेजुएशन किए हुए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। फिर उनको कौन सोचेगा, उनके बारे में क्या करेगा वो सब? क्या ऐसे उनको हक नहीं है क्या जीने का, या उनको अच्छा क्वालिटी लाइफ जीने का हक नहीं है क्या? ऑब्वियसली है ना। तो इसीलिए मैं उन्हीं का साथ दूंगा जो एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, क्योंकि मुझे पता है उनको ज़रूरत है, तभी आप देख रहे हो लेक्चर। जो सुपर इंटेलिजेंट बाय बर्थ है उनको तो देखने का भी जरूरत है, पैदा लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं निकल जाते हैं, तो उनके लिए जरूरत ही नहीं है। खैर जो भी हो, आई होप समझ में आ गया होगा लेक्चर, अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हेल्प मी आउट, जैसे मैं आपकी मदद कर रहा हूँ आप भी करो दूसरों की मदद। कैसे? वीडियो शेयर करके, देश के कोने कोने में, हर कस्बे में, हर गांव में फैला दो, फैला दो, ज़रूरत है लोगों को, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ जिनके तक ज़रूरत है तो वो पहुँच जाएगी ना, तो मुझे आत्मसंतुष्टि मिलेगी और मैं खुशी से वो चीज़ डिलीवर कर पाऊँगा। रात के 1:30 बज रहे हैं, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह मेरे को आदत है, सुबह मुझे 4-4:30 बजे उठने की, 2.5-3 घंटे मैं सोऊंगा फिर उठ जाऊँगा, सुबह फिर से अपना पढ़ना है मुझे, तो इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो आई होप थोड़ा सा मेहनत कर ही दो, शेयर ही तो करना है ना, इतना तो चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, शेयर करो लिंक को, फैलाओ, ठीक है, कनेक्ट करो, जितने ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करोगे उतना ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि यहाँ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मेरे का नहीं, वैसा कुछ नहीं है। मेरा जो डिलीवर, मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ ना, वो लोगों तक पहुँचना चाहिए, मेरा मकसद वही है और कुछ भी नहीं है। हाँ वो चीज़ है कि ऑब्वियसली यूट्यूबर है तो ऑब्वियसली ये तो रहेगा ही ना फैक्टर कि एक समय ऐसा होगा कि बड़ा यूट्यूबर बनूंगा मैं, करोड़ों का घर खरीदूंगा जैसे बाकी लोग खरीद रहे हैं, सबका सपना होता है। लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बुद्धि विवेक भगवान जितना दिया है वो सब आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि ज्ञान बांटने से उतना बढ़ता है,
तो मैं अपना ही फायदा कर रहा हूँ, अपना बढ़ा रहा हूँ, इतना बक बक कर रहा हूँ, बहुत पढ़ाते पढ़ाते मैं डिलीवर कर दे रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी ऐसी चीज़ें, नए नए चीज़ मैं सीख गया। ठीक है, एनीवेज मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।